मैनपुरी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक फर्जी व्यक्ति जो अपने आप को आईएएस पूर्व प्रमुख सचिव बनकर प्रशासन के आला अधिकारियों को हड़काने और दबदबा बनाने का काम कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर खुलासा करते हुए जेल भेज दिया। आपको बता दें, जनपद मैनपुरी के तहसील भोगाव एसडीएम को एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन द्वारा सबको सुरेश चंद्र वरिष्ठ आईएएस पूर्व सचिव राजस्व विभाग बताकर हटाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, फर्जी आईएएस ने कुरावली करे सदर तहसील मैनपुरी के आला अधिकारियों को भी हटा दिया, जिससे पूरे जनपद में हड़कंप मच गया। इस संबंध में मैनपुरी के आला अधिकारी विचार विमर्श करने के लिए मजबूर हो गए। इस संबंध में स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना पुलिस और सर्विस लांस टीम ने कठिन परिश्रम करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपना नाम फर्जी आईएएस अधिकारी सूरज पटेल पुत्र रामफूल जनपद लखीमपुर का मूल निवासी बताया है। उसने ये भी बताया कि वह अब तक प्रदेश के 40 से 50 आईएएस अधिकारियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारियों को फोन कर हड़काने का काम कर चुका है। इस संबंध में मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया है और पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कई दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि अज्ञात व्यक्ति फोन कॉल करके राजस्व तहसीलदारों को, एसडीएम को और सीनियर आईएएस अफसर बन करके लखनऊ से दबाव बनाना काम कराने के लिए, साथ में पुलिस अधिकारी बन करके पुलिस अधिकारियों पर रोप गांठना और उनसे कार्य के लिए दबाव बनाना, इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी संदर्भ में जब यहां पर भोगांव से एक सी सूचना मिली कि ये तहसीलदार पर प्रेशर बना रहा है, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अधिकारी इसमें सक्रिय हुए और उन्होंने जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, उस आधार पर फिर ये पुलिस ने एक कार्रवाई शुरू की है। और ये फिर साथी अपराधी जो कि कई जनपदों में ये इस तरह से फ़ोन कॉल करके पुलिस अफसरों को, प्रशासनिक अफसरों के नाम पर ये दबाव बनाता था काम कराने के लिए, इसको आज अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। पहले भी है सर किसी उसमें मामले में जेल गया है? ये बांदा में एक बार तिदवारी थाना है, वहाँ पर ये 2020 में जेल गया है और ये बेसिकली लखीमपुर खीरी कराने वाला है और ये विभिन्न जनपदों में प्रेशर बना गई इस तरह से अवैध कृत्य करने का प्रयास करता है।